हफ्ते so में, में थोड़ा हम लोग मल्टी फ्रेम एनालिसिस भी करेंगे इंडेक्स में और मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जो आपको ये वीक में ध्यान देना है लॉन्ग एंड शॉर्ट की तरफ मैंने लास्ट संडे जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्लियरली व्यू दिया था निफ्टी में तेरह का अगर आपको याद है तेरह ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव हो चुका है अब अगर आप देखो डेली चार्ट में निफ्टी में क्या हो रहा है पहले समझते हैं ये बेरिश एंड पैटर्न था नेगेटिव प्राइस एक्शन है बेरिश पैटर्न था लेकिन आज अगर आप देखो आज का कैंडल ऑलमोस्ट इसके हाई के आसपास क्लोज हुआ है और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट भी दिया है अब जो टारगेट आते हैं वो निफ्टी में यहाँ से आते हैं तेरह तक के सो तो यहाँ से दो सौ पॉइंट की रैली हमें और देखने को मिल सकती है सो कोई भी इंटराडेट डिप मिलता है तेरह के आसपास काफी अच्छा बाय रहेगा तेरह हजार चार सौ पचास तेरह हजार पांच सौ तक के टारगेट के लिए मंथली में ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है आप देख सकते हो ये मंथली चार्ट है निफ्टी का सारे कैंडल्स ग्रीन है और काफी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स हैं मतलब काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है अभी भी निफ्टी में वीकली पे इसने वापस फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है तो वीकली में मुझे तेरह हजार चार सौ तेरह हजार चार सौ पचास ये लेवल्स वापस हमें देखने को मिल सकते हैं हो सकता है तेरह हजार पांच सौ तक भी एक बार टच कर दे तेरह हजार पांच सौ तक का टारगेट मुझे यहाँ से लगता है जो कोई भी डेप मिलता है तेरह हजार के आसपास काफी अच्छा बाय रहेगा तेरह हजार पांच सौ तक के टारगेट के लिए तेरह हजार आपका लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे थर्टीन थाउजेंड के नीचे क्लोज देगा तो ही ये बेरिश हो सकता है तो ही हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है अदरवाइज थर्टीन थाउजेंड एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन चुका है तेरह हजार के आसपास कोई भी डिप मिलेगा काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा निफ्टी में डेली चार्ट भी आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ट्रेंड अप है सो हम लोगों ने मंथली चार्ट देखा वीकली चार्ट देखा डेली चार्ट देखा तीनों में आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ट्रेंड क्या है अभी भी ऊपर है और स्ट्रेंथ के साथ ऊपर है आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको लॉन्ग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है तेरह हजार के आसपास कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा बैंक निफ्टी अगर आप देखो इतने दिन से काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस कर रहा था निफ्टी को लेकिन अब बैंक निफ्टी अगर आप देखो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और बैंक निफ्टी अब फॉलो कर रहा है निफ्टी को अगर मैं आपको इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा तो हम लोग पहले मंथली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी अगर आप देखो बैंक निफ्टी ने यह हाई अभी तक क्रॉस नहीं किया है निफ्टी ने 52 वीक हाई क्रॉस कर लिया लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस थोड़ा अभी कम हो गया है थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन हो चुका है लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो कर रहा है मंथली चार्ट पे अभी भी ट्रेंड ऊपर ही है वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो यहां पर क्लियर एंड क्लियर ब्रेकआउट दिया था इसने ये लेवल पे और अब जो टारगेट आते हैं वो आते हैं थर्टी तक के सो थर्टी वन थाउजेंड ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में भी सो so, बैंक निफ्टी में यहाँ से हमें हजार से बारह सौ पॉइंट की रैली हमें और देखने को मिल सकती है है so, सो कोई भी डिप मिलता है, 29, के आसपास काफी अच्छा और बाय रहेगा बैंक निफ्टी एंड तक के के टारगेट लिए आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ये टारगेट आता है थर्टी वन थाउजेंड के आसपास सो so, आपको लॉन्ग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है थर्टी वन थाउजेंड तक के टारगेट के लिए डेली चार्ट भी आप बैंक निफ्टी का देखो तो ये बैंक निफ्टी ने भी बेरिश एंड पैटर्न बनाया था और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उसके हाई के आसपास क्लोज हुआ है अगर बैंक निफ्टी यहां से ब्रेकआउट देता है तो थर्टी तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है सो तो बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा बाय रहेगा निफ्टी भी काफी अच्छा बाय रहेगा दोनों ही इंडेक्स में अगर आप देखो डेली वीकली एंड मंथली चार्ट तीनों में ट्रेंड क्या है क्लीन एंड क्लियर अप ट्रेंड है कोई भी अभी तक नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है बेरिश एंड जरूर फॉर्म हुआ था लेकिन आज का जो क्लोजिंग है उसके वजह से जो बेरिश एंड फॉर्म हुआ था वो कंप्लीटली निगेट हो चुका है यानी यहाँ से रैली हमें और कंटिन्यू देखने को मिल सकती है और जो मैंने आपको टारगेट दिया वो नेक्स्ट वीक तक आ सकते हैं तो सो तेरह हजार चार सौ पचास तेरह हजार पांच सौ ये लेवल पे आपको ध्यान देना है निफ्टी के लिए और थर्टी वन थाउजेंड तक के टारगेट होंगे बाइक निफ्टी में सो तो ये था वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बाइक निफ्टी आप डिस्कस करते हैं स्टॉक्स सबसे पहला स्टॉक होगा बाई सीमेंस सीमेंस का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए अगर आप देखो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली थी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है मुझे लगता है जैसे ये रेंज ब्रेक करेगा वापस हमें एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है और यहाँ से 1700 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं सो so, 1650, फिफ्टी सेवनटीन हंड्रेड और 1700 तक के टारगेट के लिए आप सीमेंट्स में ट्रेड ले सकते हो सीमेंट्स में कोई भी डिप मिलता है 1470 के अराउंड तो काफी अच्छा बाय रहेगा चौदह के आसपास आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है डिप में और 1425 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए सो so, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 250 पॉइंट तक के टारगेट के लिए हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं 1470 के आसपास कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा 1470 में क्यों बोल रहा हूं उसका भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूं यहां पर आप देख सकते हो ये प्रीवियस रजिस्ट्रस था और सीमेंस ने यहीं पे ब्रेकआउट दिया एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला अब कोई भी डिप अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि ये रजिस्ट्रंस जो है अब वो सपोर्ट का काम करेगा सो so, यहां पर कोई भी डेप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हो 1460, 1450 के अराउंड और वापस हमें इसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है सो so, आपको डिप में बाइंग करना है चौदह सो के आसपास कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा चौदह के स्टॉप लॉस के साथ सेवनटीन तक के टारगेट के लिए सीमेंट्स में सो so, सबसे पहला स्टॉक है सीमेंट्स नेक्स्ट स्टॉक बाय है बजाज ऑटो बजाज ऑटो ने काफी अच्छी रैली दी है लास्ट दो तीन दिन में और इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इसके ऑटो सेल्स नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हैं और मुझे लगता है यहाँ से साढ़े तीन हज़ार तक ये जा सकता है तीन हजार पाँच सौ तक के लेवल्स के लिए हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लीयर इसने ब्रेकआउट दिया है ये बार बार ये लेवल टेस्ट कर रहा था आप देख सकते हो एक बार इसने टेस्ट किया दो बार इसने टेस्ट किया तीसरी बार टेस्ट किया चौथी बार टेस्ट किया और अब पांचवी बार इसने ब्रेकआउट दिया है सो मुझे लगता है यहाँ से तीन तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं 3150, 3170 के आसपास क्योंकि ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है तो 3150, 3160 के आसपास कोई भी हजार एक मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा 3500 तक के टारगेट के लिए सो आपको 3150 के आसपास डिप में बाइंग करना है करंट लेवल पे भी आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी बाइंग कर सकते हो डिप मिलता है तो डिप में भी आप बाइंग कर सकते हो तीन तक के टारगेट के लिए और थ्री आपका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे सो स्टॉप लॉस आप लिख लेना तीन स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे बजाज ऑटो में और बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए थर्ड स्टॉक है सन फार्मा सन फार्मा का स्ट्रक्चर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज हमें इसमें बाइंग देखने को मिली है और ये एक रेंज में फंसा हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेंज में फंसा हुआ था ठीक है ये रेंज से ये बाहर निकला है और अगर मैं यहाँ पर पैटर्न पार ड्रॉ करूँ तो आपको दिख रहा होगा क्लीन एंड क्लियर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया इसने फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है इसने सो so, आप जो टारगेट आते हैं वो फाइव 570 तक आते हैं यहाँ से 30, 40 रुपए का और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है सो so, इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा 520 के आसपास कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा फाइव हंड्रेड आपका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे फाइव सिक्सटी तक के टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड बना सकते हो सो सनफार्मा का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए फाइव तक के टारगेट के लिए फोर्थ स्टॉक होगा एस्कॉट एस्कॉट का स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर 1450, 1440 का लेवल ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है और आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्लीन एंड क्लियर स्टॉक ने यू टर्न लिया है आपको दिख रहा होगा क्लीन एंड क्लियर यहाँ से स्टॉक यू टर्न ले रहा है रिवर्स टर्न ले रहा है अब जो इसमें टारगेट आता है वो आता है ये लेवल ये लेवल क्यों टारगेट आता है मैं आपको समझाता हूँ ये था प्रीवियस रजिस्टन्स करेक्ट और यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था अब जो ये प्रीवियस रजिस्टन्स है ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा तो जो टारगेट आता है इसमें वो आता थर्टीन ट्वेंटी के अराउंड तेरह सो बीस का कोई भी इंटरडे में बाउंस मिलता है अगर फोर्टीन हंड्रेड के आसपास या थर्टीन नाइन्टी के आसपास काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा तेरह सो बीस और तेरह सो बीस तक के टारगेट के लिए थर्टीन ट्वेंटी के टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो फोर्टीन हंड्रेड आपका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे तो फोर्टीन हंड्रेड के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आपको इसको एग्जिट कर लेना है अदरवाइज आप इसको शॉर्ट कर सकते हो थर्टीन ट्वेंटी एंड थर्टीन हंड्रेड तक के टारगेट के लिए लास्ट स्टॉक होगा एच यूएल का स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और नेगेटिव कैंडल्स के साथ ट्रेड कर रहा है जितने भी कैंडल्स है आप लास्ट चार पांच दिन के देखो सबके सब रेड कैंडल्स है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल्स है और आप यहाँ पर देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 2200, 2220 के आसपास और मुझे लगता है यहाँ से इसमें फॉल देखने को मिल सकता है 2050 तक के टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं ये जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ तक ही आ सकता है सो दो हजार तक के टारगेट के लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं कोई भी अगर बाउंस आता है टू वन सिक्स जीरो टू वन सेवन जीरो के आसपास काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा टू थाउजेंड टू हंड्रेड आपका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे और नीचे में दो हजार पचास तक के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हो सो एक्चुअल स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है शॉर्ट की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है तो so, ये था पूरा एनालिसिस पूरा वीकली का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको टारगेट दे दिए मैंने आपको पांच स्टॉक्स दिए जिसमें से तीन मैंने लॉन्ग ट्रेड दिए दो मैंने शॉर्ट ट्रेड दिए सो so, ये हफ्ते में आपको ये स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है इसके अलावा अगर कुछ भी अपडेट रहेगा ठीक तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो कुछ भी निफ्टी के लेवल्स में बैंक निफ्टी के लेवल्स में कुछ भी अपडेट होगा कुछ भी चेंजेस होगा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा और अगर कोई भी स्टॉक्स का नया ट्रेड होगा वो भी आपको अपडेट कर दूंगा ये टेलीग्राम चैनल में आपको इंडेक्स ऑप्शन के बाइंग ट्रेड्स मिलते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में और कैश मार्केट लेवल्स के कुछ इंट्राडेट ट्रेड्स भी मैं देता हूँ तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो भी मैंने स्टॉक दिया उसमें कुछ भी लेवल में चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा सो so, आज के लिए वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो